वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 श्रृंखला में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद बौखला चुके हैं दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। अपने बड़े बयान में हार्दिक पांड्या पर सवाल उठाते हुए ऐसे ऐसे खुलासे करते हुए सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा और कहीं न कहीं आप भी सहमत होंगे। ऐसे में आखिरकार भारतीय मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने बड़े बयान में क्या कुछ कहा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हार्दिक पांड्या सचिन तेंदुलकर की तरह सफल क्रिकेटर बन पाएंगे या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। अगर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 श्रृंखला समाप्त कर चुकी है। इस टी20 श्रृंखला में भारतीय टीम को 2-3 से सामना हार झेलनी पड़ी और यही कहीं न कहीं भारतीय टीम और टी20 की दुनिया की नंबर वन टीम के लिए किसी शर्मनाक सपने से कम नहीं है। इस दर्ज पर 5वां टी20 महामुकाबला 13 अगस्त को खेला गया जिसमें कि भारतीय टीम ने शर्मनाक तरीके से 8 विकेट से हार झेली। इस महामुकाबले की अगर थोड़ी सी ओवरव्यू पर चर्चा करें तो पहले भारतीय टीम के कप्तान ने बल्लेबाजी चुनी थी और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 165 रन बनाए थे, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से उपकप्तान सूर्यकुमार यादव ने 45 गेंदों में 61 रन की पारी खेली थी। तिलक वर्मा 27 रन बना पाए थे और कोई कुछ खास नहीं कर सका था। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट खोकर 171 रन बना दिए। 18 ओवर में 12 गेंद शेष रहते हुए इस महामुकाबले को तो जीता ही जीता, साथ ही 3-2 से इस श्रृंखला को भी अपने नाम करके इतिहास रच दिया। 2017 के बाद और बेहद लंबे समय के बाद वेस्टइंडीज भारतीय टीम को टी20 में कोई सीरीज हरा पाई है। ऐसे में भारतीय टीम कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए एक तगड़ा झटका है। ऐसे में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी बौखलाते हुए नजर आए और अपने बड़े बयान जारी कर दिया है। उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा कि भारतीय टीम टी20 में जिस तरीके का प्रदर्शन करते हुए नजर आई है वह बेहद ज्यादा निराशाजनक रहा है। मुझे लगता है भारतीय टीम दुनिया की टी20 में नंबर वन टीम है, मगर भारतीय खिलाड़ियों को पर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भारतीय सिलेक्टर्स के लिए गलत साबित हो रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय एक टीम को खेलना चाहिए जो कि टी20 और वनडे श्रृंखलाएं खेले। हाँ, टेस्ट के लिए आप अलग रख सकते हैं, मगर जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट इस श्रृंखला के लिए किए गए, सिर्फ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, वह कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक आत्मविश्वास को झकझोर देने वाला रहा। मुझे इस टी20 श्रृंखला में भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह हार्दिक पांड्या की कप्तानी लगती है। मैं हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए देख चुका हूं बेहद नजदीक से। उसके बाद उसने कई मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। आईपीएल में बतौर कप्तान वह सफल रहा है, मगर वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की कप्तानी नहीं कर पा रहा है। वह जिस तरीके के प्लेइंग 11 में बदलाव करता है, जिस तरीके के मौके पर ऑन फील्ड बदलाव करता है, वह कहीं न कहीं शक के घेरों में जाता है। उसको अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और मैं मानता हूँ भविष्य में वह जरूर अच्छा करेगा, मगर भारतीय टीम ने जिस तरीके की हार झेली है वह भारतीय टीम के कॉन्फिडेंस के अलावा सभी को बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाले मूवमेंट है। मुझे लगता है भारतीय टीम अभी आगे अच्छी वापसी करे और टी20 से अलावा वनडे विश्व कप और एशिया कप पर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मानता हूँ भारतीय टीम में जब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी लौटेंगे भारतीय टीम का प्रदर्शन जरूर सुधर जाएगा। दोस्तों यह तो हार्दिक पांड्या के खिलाफ सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया है। क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? यहाँ तो प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।